यह सच होना चाहिए क्योंकि झूठ कभी छिपता नहीं, कहीं ना कहीं सच सामने आ ही जाता है। तो सोचो जब आपका झूठ पकड़ा जाता है तो कितनी बड़ी बेइज्जती होती है, इसलिए झूठ का सहारा हमें कभी नहीं लेना चाहिए। चलो बच्चों, ये बात मैं आज आपको एक कहानी के जरिए समझाती हूँ। कई साल पहले की बात है, एक गांव में किशन नाम का एक कुम्हार रहता था। दिन में वो मिट्टी के बर्तन बनाता और उन बर्तनों से जो भी पैसे मिलते उनसे वो शराब खरीद कर पी लेता। एक बार की बात है, रात का वक्त था, किशन शराब के नशे में घर लौट रहा था। वो इतना नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे जिनमें से एक टुकड़ा उसके माथे में घुस गया। किशन के माथे से खून बहने लगा। किशन कुम्हार किसी तरह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन जब वो होश में आया तो वो वेद जी के पास गया और पट्टी करवा कर उसने दवाई ली। वेद ने कहा, घाव गहरा होने के कारण इसे भरने में थोड़ा समय लगेगा। पूरा भर जाने के बाद भी इस घाव का निशान नहीं जाएगा, लेकिन तुम दवाइयाँ समय पर खाते रहना, ठीक है? ठीक है, मैं दवाइयाँ खाने में कोई गलती नहीं करूँगा। वेद के यहाँ से दवाई लाने के बाद कई दिन बीत गए। मौसम बदल चुका था, भीषण गर्मी के दिन थे। किशन के गांव में सूखा पड़ गया, सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। किशन कुम्हार ने भी गाँव छोड़कर जाने का फैसला किया और दूसरे शहर की ओर निकल गया। किशन सूरजपुर नाम के एक शहर में पहुंचा। लोगों से पूछते हुए वो सूरजपुर के राजा के दरबार में नौकरी मांगने गया। राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा और सोचने लगा, जरूर ये कोई पराक्रमी योद्धा होगा और दुश्मन से लड़ते समय इसके माथे पर चोट लग गई होगी, इसे मुझे नौकरी दे देनी चाहिए। ये सोचकर राजा ने उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी। राजा किशन पर विशेष ध्यान भी देने लगा। राजा का किशन की ओर झुकाव देखकर दरबार में मौजूद राजकुमार, सेनापति और दूसरे मंत्री उससे जलने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन दुश्मन देश के शत्रुओं ने राजा के महल पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने किशन से भी युद्ध में जाने के लिए कहा। किशन अब ना तो मना कर सकता था और ना ही सच बता सकता था, इसलिए उसने युद्ध भूमि में जाने में ही भलाई समझी। जब युद्ध भूमि की तरफ जा रहा था तो राजा ने उससे पूछा, किशन तुम्हारे माथे पर ये चोट किस युद्ध में लगी थी? किशन कुम्हार ने सोचा कि अब वो राजा का भरोसा जीत चुका है और अब अगर वो राजा को सच बता देगा तो कोई समस्या नहीं होगी। ये सोचकर उसने राजा से कहा, राजन मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा कुम्हार हूँ। ये चोट मुझे किसी युद्ध में नहीं बल्कि शराब पीकर गिरने के कारण लगी थी। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और मुझे छलकर दरबार में इतना ऊंचा पद पाया है, निकल जाओ मेरे राज्य से। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे अपनी असलियत छुपाई, मुझे युद्ध कला भी नहीं आती। तुम्हारी हालत शेरों के बीच रहने वाले उस गीदड़ की तरह है जो हाथी से लड़ने की जगह उससे दूर भागने की बात करता है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर राजकुमारों को तुम्हारा राज पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। किशन मन ही मन पछतावा महसूस कर रहा था, वो बेइज्जती महसूस कर रहा था, लेकिन सच बताने में उसने काफी देर कर दी थी। उसे अपना सच छिपाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब किशन के पास कोई चारा नहीं था। दूसरी ओर राजा और दुश्मन देश के बीच युद्ध हुआ। राजा ने युद्ध में जीत हासिल की। जब राजा विजय हासिल कर लौटा तो राज दरबार में उसकी मुलाकात किशन से हुई। उसने किशन को देश निकाला दे दिया। किशन को आखिरकार सच छिपाने की वजह से राज्य को छोड़ना पड़ा। समझ गए ना बच्चों? तो अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी नए रंग से बात करने।